हे गाइस वेलकम बैक ब्लॉगिंग विद मंजेश। अभी हम जौनपुर में हैं और पिछले दो दिन से जौनपुर में है। जौनपुर में हमने लिट्टी चोखा खाया क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े होटल हैं जो कि लिट्टी चोखा के लिए ही मशहूर हैं। तो अभी हम आज फिर से लिट्टी चोखा खाने वाले हैं, बाटी चोखा खाने वाले हैं। दिखाते हैं खैर कैसे। फाइनली हमें प्लेट तो नहीं कह सकते क्या मिल गया है। कौन सा पत्ते का पकौड़ा पत्तल? अरे पत्ते का पत्तल, पत्तों का बनाया हुआ पत्तल है, पत्तल मिल गया है। ये कुल्हड़ है और ये पानी पिए और इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और। हालांकि हम लोग का औकात यही है, हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, मिट्टी में ही हम मिट्टी के बर्तन में खाना पीना खाना बनाना सब कुछ। आज हम लोग मॉडर्न लोग हैं, आज हम चिकने हो गए हैं। अपना औकात याद रखना चाहिए, आज हम चिकने हो गए हैं। पर पहले कभी ऐसा ही हुआ करते थे, मतलब ऐसा ही हो ऐसे ही स्टार्टिंग हुई थी। खैर हमें एक बहुत बड़ा सोफ़ा मिल गया और बहुत बड़ा टेबल मिल गया। और बताने वाली बात एक और ये है, पिछले दो दिन से हम लिट्टी चोखा खा रहे हैं, इसकी वजह से भैया बहुत नाजुक है ना, उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं तो इन्होंने लिट्टी चोखा खाना बंद कर दिया आज। भैया महादेव देखिए, आप इस वक्त देख रहे हैं ब्लॉगिंग विद मंजेश जी का ये चैनल है और ये इस समय बिहार से चलकर जौनपुर में आए हैं। और जौनपुर में साहब ये लोग लिट्टी चोखा बहुत पसंद कर रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जौनपुर में आके ये लोग लिट्टी को बहुत पसंद कर रहे हैं। गाना भाई इंटरनेशनल लिट्टी चोखा खैले से ना पहले से धोखा, अरे यूपी चाहे बिहार में, अरे गाड़ी के झंडा है यही जाली जहाँ जाली संचार में चट्टी। रवि जी इस लिट्टी चोखा के बारे में कहना है आपको, भगा देगा यहाँ से आप। अच्छा एक मिनट बताइए, आप लिट्टी चोखा क्यों नहीं खा रहे हैं आप? भाई मुँह में कट गया, तीन दिन से कड़ा कड़ा थी खाकर, ऊपर तालू कट गया और हम आलू पराठा मंगाया। एक कैमरामैन इधर, एक लेक्चरर इधर, एक लेक्चरर उधर और बाकी दो लेक्चरर उधर, मतलब हर कोई बोलने वाला है। तो जैसे ही हम एंटर हुए हमारी बोली सुनकर सब परेशान हो गए। इन्होंने स्पेशली हमें कहा है कि आप वीडियो मत शूट करो, इसलिए हम वीडियो नहीं शूट करते, मतलब थोड़ा सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट की जा रही है। ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे चोखा लिया और ऐसे भूख। गाइस फाइनली हमने अपना लिट्टी चोखा बाटी चोखा खत्म कर लिया है और भैया ने भी खत्म कर लिया है और विशाल वाले भैया ने भी, मतलब सबने खत्म कर लिया है, सिर्फ विशाल भैया रह गए हैं लिट्टी खाने के लिए। अब सबने खत्म,
बहुत अत्याचार किया जा रहा है। मतलब भैया बोल रहे हैं कि खाने का सम्मान करो, मैंने सिर्फ इतना सा छोड़ा था, ये अरे टिशू कहाँ से आ गया, देखो ये प्याज, अब ये भी नहीं छोड़ना है। लो क्या क्या खाना है, प्याज मिर्च और से सब खाओ जल्दी यार, खाने का सम्मान करना है पता है। तो अब बिल आ गया, हम लोग ये देखो इसमें बिल आ गया है, मिश्री नहीं है भैया, ये इधर आइए ना, बिजली बिल आ गया, ये देखिए इसमें मिश्री नहीं है यार, अरे ये तो अंगूर बेचती होगी, हमारे में यो है क्या साउंड, कोई बात नहीं, हे भगवान सुनो हम पागल हो जाए, हमने खा लिया है और बहुत अच्छी सर्विस रही अभी, लास्ट में जो गुड़ देते हैं खाने को, ये देख लो ये गुड़ है, फाइनली गाइस बाटी चोखा फैमिली रेस्टोरेंट हम लोग निकल चुके हैं लिट्टी चोखा खाकर वहाँ का सब आनंद आ गया, पर आज मैंने ये स्पेशल खाया गुड़, इसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा। खैर हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार जय 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 मगर महादेव हर हर।